योसी सी टू नाइन्टी सेवन दोस्तों ख़त्म हो चुका है ऑब्वियसली हमारे पास है एक न्यू चैम्पियन आफ्टर फाइव लॉन्ग राउंड्स आफ्टर ए फाइव राउंड वॉर जजेस ने या एटलीस्ट दो जजेस ने आउट ऑफ थ्री डेसी को विनर अनाउंस किया वाया स्प्लिट डिसीजन दो जजेस ने कहा ये ये फ़ाइट जीते हैं डुप्ले एक ने कहा ये फाइट जीते हैं शॉन बट अल्टीमेटली इट वॉज़ ए वेरी वेरी क्लोज फाइट सो आई फील कि जब ये फ़ाइट खत्म हुई थी तो बहुत सारे फैंस थे वो कह रहे थे कैसे कि ये रॉबरी है शॉन वन द फाइट और फ्रेंकली जब फाइट स्टार्ट हुई देर इज़ नो डाउट कि पहला राउंड शॉन जीते दे इज़ नो डाउट राउंड फोर है वो एक बहुत ही बड़ा राउंड था फॉर डुप्लेसी uh, राउंड सेकेंड है मेरे हिसाब से जीते डुप्लेसी और राउंड फाइव शायद जीते मेरे हिसाब से शॉन सो आई थिंक जो स्कोर कार्ड देखें वो वैसे वहाँ भी यही कहानी चल रही है uh, राउंड वन सब जजेस ने दिया ऑब्वियसली शॉन को राउंड लास्ट राउंड सब ने दिया फिर से शॉन को राउंड फोर है वो सब ने दिया डुप्लेसी को राउंड टू वो सब जजेस ने दिया डुप्लेसी को जो राउंड थ्री है वहाँ के बाद फंस जाती है जहाँ पे दो जजेस ने कहा ये राउंड जीते हैं डुप्लेसी और एक ने कहा ये राउंड जीते हैं शॉन सो so, और यही होता है एक क्लोज फाइट में जहाँ पे वी हैव बैक एंड फोर्थ कुछ ऐसे मोमेंट्स जैसे जहाँ लगा शायद कि ये फाइट की तरफ़ जाने वाली है जब जब पहली बार जब आ, हुआ क्लोज अब राउंड टू के बाद जो राइट आई थी आ, या लेफ़्ट आई थी जुबलेसी की वो बिल्कुल यू नो स्वेल होने स्टार्ट हो गई थी एन फेल्ट कि शायद ये इंटरेस्टिंग है राउंड टू के बाद कि अब मे बी ये फ़ाइट अब बदलेगी बट आई थिंक जुबलेसी वॉज जस्ट परसिस्टेंट वो लगातार आगे बढ़ते रहे और वो वही उन्होंने वही किया जो शायद लास्ट फाइट में कर रहे थे शॉन फ्रंट फ्रुट बुट आगे जा प्रेशर फॉरवर्ड प्रेशर लगातार कुछ भी हो बस वो आउटपुट है लगातार जनरेट कर रहे थे हाँ वो मिस कर रहे थे हाँ उनकी लेग्स लेगिक्स चेक हो रही थी बाय शॉन बट अल्टीमेटली ही वॉज़ परसिस्टेंट और अगर आप इसको एक लंबी अगर आप राउंड को भूल जाएँ और इसको एक बिना राउंड के बिना कट के एक लंबी पाँच पच्चीस मिनट की आप ये फाइट देखें तो यू विल फील कि शायद या मे बी शायद शॉन डुप्लेसी ने काफ़ी कुछ किया इस फाइट में कम्पेयर टू शॉन हाँ शॉन वाज मोर एक्यूरेट उनके जो पंचेज है वो लैंड कर रहे थे एंड ही वाज बेसिकली मोर टेक्निकल फॉर श्योर बट ओवरऑल जो वो हुए जो राउंड्स जीते डुप्लेसी इट वाज मोर कन्विंसिंग टेक डाउंस डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल रहा उसके बाद जो कम्बिनेशन थे जो कट लगे यू नो ऑन शॉन चाहे वो और अभी अभी कुछ देर पहले आया था ट्विट शॉन का कि मे बी इट वॉज ए हैड बट और उसकी वजह से शायद थोड़ी सी फाइट चेंज हो गई बट वील टॉक लेटर अबाउट इट बट ओवरऑल इट्स नॉट ए रॉबरेस इट्स नॉट ए यू नो ए वेरी कंट्रोवर्शियल डिसीजन राउंड थ्री पर बात आ गई थी और दो जजेस ने कहा ये राउंड जीते हैं डुप्लेसी और कहा एक नहीं राउंड जीते हैं शॉन सो इट्स जस्ट लाइक मैटर ऑफ परस्पेक्टिव हमारा मानना है कि अगर आपको लगता है ये फाइट जीते शान तो आप सही हैं बट या जजेस ने ये फाइट की डिक्लेयर की है फॉर डुप्लेसी काइंड um, ऑफ इस सैड मोमेंट फॉर शॉन फ्रैंकली क्योंकि शॉन <laughs> का ये फर्स्ट डिफेंस था अपने अपनी बेल्ट का लगा शायद कि uh, ये एक कहानी है एक लंबे टाइम के लिए जहाँ पे ही विल एटलीस्ट विन दिस बेल्ट और रिटेन दिस बेल्ट फॉर कपल ऑफ मोर फाइट्स इससे पहले कि वो फाइट uh, ये बेल्ट हारे बट या पहले ही पहले ही टैटेड डिफेंस में uh, जुपलेसी ने फाइट उनसे जीती और अपनी बेल्ट भी एंड दिस इज़ फाइन जब शॉन चैंपियन बने थे तो वो एक तरीके से लोगों के लिए सरप्राइज़ था खुद शॉन के लिए भी कि कैसे वो ये और किसको हराया हराया तो किसको हराया किसी ऐसे एरे गर को नहीं बल्कि अड्डसानिया को सो so, उनके लिए जिस तरीके से वो ये फ़ाइट जीते और हमेशा वो कहते हैं कि मेरे लिए बेल्ट कुछ भी नहीं है मेरे लिए बेल्ट ये टाइटल सिर्फ एक एक चीज़ है आई डोंट केयर और शायद आज जब वो हारे और जो उन्हें पोस्ट फाइट इंटरव्यू दिया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था उन्होंने कुछ एक्सक्यूज़ नहीं बनाई उन्होंने कुछ ये नहीं कहा कि नहीं मैं ये फाइट नहीं जीता नहीं ये क्लोज़ फाइट थी आई थॉट नहीं और इसलिए शॉन फैन फेवरेट हैं जो क्राउड था कनाडा के, का वो इसलिए उन, उनसे इतना प्यार कर रहा था बिकॉज उन्होंने कहा कि मैं आप आपके वो की तरह हूँ मैं आपके लिए फाइट कर रहा हूँ मैं आपके लिए फ़ाइट करूँगा और जो जो उनके पर्सनल उनके जो, जो इश्यूज़ हैं उनसे लोग काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं इसलिए शॉन मोस्ट बिकम ए स्टार और अभी भी आई थिंक ही इज़ ए स्टार इफ नॉट ए कम्प्लीट सुपर स्टार सो इस लॉस से आई डोंट थिंक कि उनके ओवरऑल स्टार्टअप में कुछ कमी आएगी मेरे हिसाब से जब डेना वाइट आए थे और कैन ये मे बी एक्सवे है जब डेना वाइट आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने कहा कि आई थॉट ये फाइट शॉन जीत गए हैं तो जब यू एस सी ब्रास और डीना वाइट सोच रहे हैं कि वो ये फाइट जीत गए हैं तो ऑब्वियसली जो उनके लिए नेक्स्ट फाइट्स होंगी वो बड़ी फ़ाइट्स होंगी क्या उनके लिए होगा रीमैच इमीडिएटली नहीं मोस्ट uh, रॉबली नहीं लेकिन हाँ इन फ्यूचर वो फिर से फ़ाइट करेंगे बेल्ट के लिए मेरे हिसाब से सो ओवरऑल या ए गुड फाइट काइंड ऑफ ए स्लो पेस फाइट फ्रैंकली दोनों फाइटर थोड़े से दे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये बिल्कुल अपना अपनी पूरी जान झोंक दी है बिल्कुल सारा पूरा टैंक खाली कर दिया है जैसे कि हमजद करते हैं बिल्कुल टैंक खाली एक ही राउंड है भाई पूरे फाइट का टैंक खाली कर दो पता नहीं बाद में क्या होगा ऐसा मोमेंट नहीं आया बोथ फाइटर्स वर वेरी वेरी डेरी टेक्निकली यू नो अपने जो टैंक है एनर्जी उसको थोड़ा सा बचा के खेल रहे थे देव सम मोमेंट्स यहाँ वहाँ बट ओवरऑल स्मार्टली दोनों दोनों फाइटर्स ने ये फाइट की सो या इट फाइट अपने अपने हिसाब से मे बी भी हम इस फाइट के बारे में, बारे में बात कभी फिर से नहीं करेंगे कि वो बहुत अच्छी फाइट थी बड़ा मजा आया वो बैक एंड फोर्थ नहीं बट ओवरऑल विन इज अ विन और हालांकि इट वाज ए मोर ऑफ ए डिसीजन विन जहाँ पे डिप्लेसी अब चैम बन चुके हैं um, एक और चीज़ जो मैं शायद कहना चाहूँगा वो ये कि uh, जो भी इस फाइट से पहले हुआ द ट्रेस टॉक और जो पर्सनल चीज़ें हुई और जो वो लास्ट uh, इवेंट से पहले जो वो उनकी फ़ाइट हो गई थी इनका क्राउड उस हिसाब से ये फ़ाइट नहीं गई और वही ऐसा होता है कई बार कि जिस हिसाब से हाइप फाइट के लिए जो कैनफे kind रेवलरी of है उसके हिसाब से फ़ाइट नहीं जाती और ये एक और ऐसा मोमेंट लगा मुझे कि जो फ़ाइट थी जो होनी चाहिए थी यू you नो know, बिल्कुल ऑल आउट वॉर हाँ खून बहा ओबियसली बट इट वॉज मोर वाइट कट यू नो कट लग गया यहाँ वहाँ बट इट नॉट लाइक ओ बाई गॉड ये राउंड ये कभी सा लगा नहीं कि यार इस फाइट इस राउंड के बाद ये फाइट आगे नहीं जाएगी ये लास्ट राउंड है ये फाइट खत्म होने वाली है कभी सा लगा नहीं और ऐसा होता है कभी कभी कि हाइप थोड़ी बड़ी होती है फाइट थोड़ी छोटी होती है बट दैट्स फाइन ऑब्वियसली नाउ इस फाइट इस फाइट के बाद जो कहा डुप्लीसी uh, दु, दु, ने कि ही वांस टू फाइट अडसानिया यू सी थ्री हंड्रेड और हमने बात की थी कैसे इस फाइट की तुरंत बात की जो यू सी थ्री हंड्रेड है वहाँ पर अभी भी एक स्लॉट खाली है और शायद वहाँ पर सी विल ट्राई टू फिट डुप्ले या और अडसानिया को अगर वहाँ पे नहीं होते हैं और उसके बाद शायद अभी कुछ पहले शायद ट्वीट भी आया कुछ देर पहले कियल इज़ लाइक्स रेस्पॉन्डिंग कि हाँ आई थिंक ही विल फाइट सो आई थिंक या दिस इज़ द मे बी द नेक्स्ट फाइट डिप्रेस से अपनी डिफेंड करेंगे पहली बार अगेंस्ट अडसानिया एंड शॉन मे बी विल ट रेस्ट एंड कम बैक बड़े दस ओवरऑल एक इंटरेस्टिंग कहानी एक एक एरा था शॉन का जो कि बहुत ही छोटा आरा था वो एज अ चैम्पियन Uh, जहाँ पे वो हर यूट्यूब चैनल चैनल पे थे हर इंटरव्यू में थे वो वहाँ पे शायद हमको इतना नहीं देखेंगे मे भी थोड़ा कम देखेंगे बट इट वॉज अ गुडेरा चाहे वो था बहुत ही छोटा सा जहाँ पे शॉन ने दिल खोल के बातें की uh, साफ uh, साफ दिल से बातें की कंट्रोवर्शियल बातें की बट एड इट वॉज इंटरटेनिंग तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो uh, मिलते नेक्स्ट टाइम टेक केयर बाय बाय